गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सत्यन प्राइवेट ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन का कुछ प्रॉब्लम बताता हूँ, जो कि हम उसको रियलाइज करते हैं, जो कि हम उसको देखते हैं, उस टाइप का प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे एक गोला है मेरे पास, मान लीजिए कोई ऐसा गोला है। अब देखिए वो गोला तो हम लोग को लोहा का गोला है, उसका जो त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। एक गोले का त्रिज्या हमको दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए चूंकि लोहा है, अब लोहे का हमको इसमें एक इसी लोहे को पिघला कर एक छोटा छोटा गोली बना, जितना लोहा हुआ उसको हम पिघला के एक छोटा छोटा गोली बना लिए, जिसका त्रिज्या है 1 मिलीमीटर। ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मिलीमीटर में बदलेंगे ना, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। अब देखिए इस लोहे को हम छोटा छोटा गोली के रूप में बनाए, जिसका त्रिज्या है 1 मिलीमीटर। अगर मान लीजिए लोहे का गोला समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आटा समझ रहे हैं, घर में रोटी बनाने वाला जो आटा होता है उसको गूंथते हैं, तो एक ऐसा गोला उसको बनाते हैं जिस आटे का जो आपका त्रिज्या है, आटा को हम गूंथ लिए, उसका गोला बना लिए, उस गोले का जो त्रिज्या है वो है 10 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उस आटे को थोड़ा थोड़ा निकाल के छोटा छोटा गोली बनाए, वो गोली बनाए हम 1 मिलीमीटर जिसका रेडियस है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए लोहा का गोला नहीं आटा का ही गोला है, 1 सेंटीमीटर आटा का गोला को अगर 1 मिलीमीटर त्रिज्या वाले छोटा छोटा गोला को बनाया जाए तो कितना गोला बनेगा। अब देखिए हम गोला के केस में आप लोग को बताए थे कि पूरे गोले का, पूरा जो गोला मेरे पास है इसका हम क्या निकाल लेंगे, आयतन निकाल लेंगे, मतलब कि कितना उसमें सेंटीमीटर क्यू या मिलीमीटर क्यू आटा है। उसके बाद उसको जो छोटा छोटा हम गोला बनाए हैं, उस गोले का भी एक गोले का आयतन निकाल लेंगे। तो चूंकि इतना आयतन में एक छोटा गोला बनता है, तो इतना आयतन का कितना छोटा गोला बनेगा, ये तो बन सकता है। अब देखिए बड़े गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 πr³। आर कितना है, 10³। इतना mm³ हो गया। ठीक है, अब देखिए छोटे गोले का आयतन क्या हो गया, 4/3 πr³। आर का मान है 1 mm³। ठीक है, तो जब ये निकल गया बड़े गोले का आयतन और छोटे गोले का आयतन निकल गया, तो छोटे
गोले की संख्या क्या होगी, छोटे गोले की संख्या होगी इतना आयतन में इतना आयतन भाग दे देंगे 4/3 pi 10³ / 4/3 pi 1³। ये चीज कट गया, 10 का क्यूब मतलब 10 × 10 × 10 / 1 × 1 × 1 बराबर 1000/1। बराबर कितना हो गया 1020। अगर 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का एक गोला लेते हैं हम, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का अगर एक गोला हम लेते हैं और उसको हम मिलीमीटर में तोड़ते हैं, 1 मिलीमीटर का छोटा छोटा गोला, तो हमको 1020 मिलेगा। अब देखिए, अच्छा एक चीज प्रैक्टिकली आप लोग 2-3 चीज समझिए। पहला चीज है लीटर, किलोग्राम, लीटर किलोग्राम मीटर। अब ध्यान से समझिएगा, लीटर किलोग्राम और मीटर। अब देखिए लीटर किलोग्राम मीटर में क्या चीज है कि मान लीजिए हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं, प्रैक्टिकल जिंदगी में अगर हम कहीं मार्केट जाते हैं या फिर कहीं, तो पानी प्यास लग जाता है, तो सिंपली 10 रुपया 15 रुपया बोतल में 1 लीटर पानी मिल जाता है। 1 लीटर का बोतल आता है पानी वाला, उसमें हम 1 लीटर पानी ले लेते हैं। लेकिन अगर उसी लीटर को हम किलोग्राम में नापेंगे, उसी लीटर में पानी भरा हुआ को हम तराजू पे नापेंगे, तो मान लीजिए अगर 1 किलो होता है, ठीक है। अब देखिए हम पानी पी लिए उस बोतल को, पानी खत्म हो गया, बोतल मेरा खाली हो गया। अब मान लीजिए हम मार्केट में उसी में अगर हम किसी को बोलेंगे कि हमको 1 किलोग्राम सरसों का तेल खरीदना, ठीक है, 1 किलोग्राम सरसों का तेल खरीदना, ठीक है, और 1 किलोग्राम हमको शहद खरीदना उसी बोतल में, तब आप देखिएगा जैसे ये एक बोतल है 1 किलोग्राम 1 लीटर पानी अगर पूरा बोतल भर जाता है 1 लीटर में 1 kg, तो अगर शहद खरीदेंगे तो 1 मतलब आधा से कुछ ज्यादा नहीं 1 किलोग्राम भर जाएगा। अब देखिए समझिए, मेरे पास मान लीजिए 1 kg रुई है, 1 kg हम रुई खरीदते हैं, कितना ज्यादा 1 बोरा हो जाता है आधा बोरा, और मान लीजिए 1 kg हम लोहा खरीदते हैं तो इतना सा हुआ, ठीक है। अब बात क्या है कि दोनों का आपका जो वजन है किलोग्राम वो सेम है, 1 kg रुई भी है, 1 kg नमक है या फिर लोहा है, दोनों वजन ठीक है एक ही है, लेकिन अंतर क्या है, लोहा छोटा सा है और रुई बहुत ज्यादा है। तो उसी के जैसा क्या चीज है, अगर 1 लीटर पानी खरीदते हैं तो पूरा बोतल भर जाता है, और 1 लीटर शहद खरीदते हैं, सॉरी 1 kg पानी खरीदते हैं तो 1 लीटर वाला बोतल भर जाएगा,
और 1 kg अगर आपका शहद खरीदेंगे तो आधा से ज्यादा मतलब 70% बोतल आपका भरेगा। तो अब वहाँ क्या चीज है कि एक डेंसिटी शब्द आता है घनत्व। घनत्व क्या चीज है, मान लीजिए कोई कण है, इस बीच में क्या है, कोई कण है, वो कण यहाँ है, वहां है, यहाँ है, चारों तरफ फैला है। अगर मान लीजिए उसके जगह एक ठोस पदार्थ लिए तो इस ठोस में क्या है, सारा कण सटा हुआ है, सारा कण सटा हुआ है। और द्रव में क्या होता है, थोड़ा कण अलग अलग रहता है और गैस में ज्यादा कण अलग अलग रहता है। तो वही है, लोहा में जितना लोहा का कण है वो सब एक दूसरे से सटा हुआ रहता है, इसलिए उसका साइज बहुत कम होगा। और मान लीजिए रुई है तो उसका सारा कण थोड़ा दूर दूर रहता है, इसलिए उसका वॉल्यूम ज्यादा है। तो देखिए इस केस में क्या होता है कि अगर किलोग्राम, मिलीमीटर, लीटर, इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो जनरली हम लोग क्या मानते हैं, 1 m³ बराबर 1000 लीटर। ये जनरली हम लोग मान के चलते हैं कि 1 m³ बराबर 1000 लीटर। अब देखिए 1 m³ मतलब क्या हुआ, 1 m लंबाई है, 1 m चौड़ाई है और 1 m ऊंचाई है, कोई 1 m तीनों चीज का पानी का टंकी है, तो उस टंकी में जो है 1000 लीटर पानी अटेगा। इस चीज को हम लोग मान के चलते हैं कि 1 m लंबा, 1 m चौड़ा और 1 m ऊंचा क्षेत्र का जो हमारा कंटेनर बना उसमें 1000 लीटर पानी अटेगा। अब इससे संबंधित प्रॉब्लम आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे कि किसी टंकी में अगर मोटर भरते हैं तो क्या समय लगेगा, क्या होगा, क्योंकि वो समय दूरी से भी संबंधित है और आपको जनरल इस चीज में क्षेत्रमिति से भी संबंधित है, इसलिए वो नॉलेज में रखना जरूरी है। इसलिए आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।